हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश आदमन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MI TV स्क्रीन मिररिंग प्रॉब्लम सॉल्व इन जस्ट 2 मिनट। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी टीवी का जो वाईफाई होता है वो आपको ऑन करना है। ठीक है, मैं मेरे टीवी का वाईफाई ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, मेरे टीवी का मैंने वाईफाई ऑन किया। जैसे ही मेरे टीवी का वाईफाई ऑन करूँगा, वैसे ही यहाँ पर मेरे जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये हो गया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट सक्सेसफुल। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ नीचे आना है। अब जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो क्लीनर है इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ये देखिए, ये ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। ये ऑप्टिमाइजिंग की प्रोसेस आपको 2 बार करनी है। ठीक है, जब आप ये ऑप्टिमाइजिंग की प्रोसेस 2 बार करोगे तो आपकी जो टीवी है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको मेमोरी बूस्ट 1 बार कर लेना है। ये देखिए, मेमोरी बूस्ट हो रहा है, ये हो गया मेमोरी बूस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैच वॉल, टीवी मैनेजर और व्यू फोन मीडिया का ऑप्शन आता है। व्यू फोन मीडिया के ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है। ये आपको पूरी तरह क्लियर करना है। यहाँ इससे टीवी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ये आपको क्लियर करना है। पूरी तरह आप यहाँ क्लियर करोगे, ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर। अब आप इसको आपको ओपन करना है यहाँ से। अब ये हो गया आपका ओपन। अब आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपको अपने टीवी से कनेक्ट है वो आपको उससे आप उस मोबाइल से आपको ये कनेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल होम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये हो गया, ये गूगल होम नाम का एप्लीकेशन मैंने मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल में गूगल होम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर MI TV का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखिए, मेरे टीवी में यहाँ पर MI TV का ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, अब इस पे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ। ये देखिए, मैंने किया क्लिक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ मिलता है कस्टमाइज स्क्रीन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे आप ये करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा मोबाइल है वो टीवी से पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है। अब मैं और आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा मोबाइल अपने मेरी टीवी से कनेक्ट। तो ये प्रोसेस है MI TV के स्क्रीन मिररिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक आते रहे। ये सक्सेसफुल स्क्रीन मिररिंग मैंने आपको बता दी है। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।